नमस्कार, हिंदी आचार्य की राजनीति शास्त्र की इस श्रृंखला में बच्चों आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या केंद्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेंसी है जो कि एक पूरी तरह से संवैधानिक बॉडी भी है क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है और यह इंडिपेंडेंट है और यह डायरेक्टली संविधान के द्वारा ही बनाई गई है और इसके अनुच्छेद हैं हमारे आर्टिकल 315 से 323 तक और भाग है इसका भाग 24 संविधान का, जिसके बारे में इनमें यूपीएससी के बारे में लिखा गया है। तो यूपीएससी में एक तो चेयरमैन होता है और उसके जो दूसरे मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के उनको राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो हमारा संविधान है वो यह नहीं बताता कि इस कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे। यह तो राष्ट्रपति के हिसाब से उसमें मेंबर्स लिए जाएंगे, उनकी मर्जी के हिसाब से, मतलब गिनती कितनी होगी। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर 9 से लेके 11 तक जो इसके सदस्य हैं उनको बनाया जाता है, जिनमें भी एक एक हम इसका चेयरमैन भी होता है, यानी कि मतलब 10 लोग या 8 लोग इसके मेंबर्स होते हैं, एक इसका चेयरमैन होता है। दूसरा कि हमारे संविधान में यह नहीं लिखा गया कि जो इसके मेंबर्स होंगे, कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उनकी योग्यताएं क्या रहेंगी। केवल यह लिखा गया है कि कम से कम आधे लोग इस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि 10 साल भारत सरकार या स्टेट सरकार के अंडर एक ऑफिसर के तहत काम कर चुके हों। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी योग्यताएं क्या रहेंगी और उनकी गिनती क्या रहेगी, लेकिन ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। और जो भारत का संविधान है यह भी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किस तरह से उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, मतलब वो कब रिटायर होंगे और कितनी देर तक उनकी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये भी राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर करता है। आगे देखेंगे कि अधिकतर क्या होता है कि जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो 6 साल की उनकी टर्म होती है या फिर उनकी जो उम्र है वो 65 साल की उम्र हो जाए उसके बाद ही फिर वो रिटायर होते हैं, या फिर 6 साल हो गए तो भी वो रिटायर हो जाते हैं, जो चीज भी पहले होगी वो उसको रिटायरमेंट मान दिया जाएगा। हालांकि ऐसा भी होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन उनको अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को ही देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही उसके जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो अपने 6 साल की टर्म को पूरा किए बिना भी उनको अपनी पोस्ट से उनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन उनको पोस्ट से हटाना आसान नहीं है। दूसरी चीज कि जो राष्ट्रपति हैं वो मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं चेयरमैन के तौर पर, अगर जो चेयरमैन की जो पोस्ट है वो खाली है या फिर जो चेयरमैन है वो कार्य नहीं कर सकता है अनुपस्थित होने की वजह से अपना, इसीलिए तो फिर वो किसी भी इसी इनके ही मेंबर को फिर वो आगे देखते हैं कि हटाया कैसे जाएगा। राष्ट्रपति चेयरमैन को या फिर यूपीएससी के दूसरे मेंबर्स को हटा सकते हैं, लेकिन किस तरह की सिचुएशन पे हटा सकते हैं, या तो उनको इंसॉल्वेंट है यानी कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है इसलिए उनको हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट से, या फिर उन्होंने वो एक पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं यानी कि वो कोई और सैलरी वाला काम कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट चाहे जैसे भी, मतलब ऐसा व्यक्ति कोई और कार्य नहीं कर सकता है। तीसरी चीज कि उनका जो ओपिनियन है, राष्ट्रपति का ऐसा ओपिनियन है कि यह जो व्यक्ति है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए भी राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं चेयरमैन को और दूसरे मेंबर्स को भी अगर वो मिसबिहेव करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को फिर सुप्रीम कोर्ट को यह मैटर को बताना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इंक्वायरी करवाएगा, और इंक्वायरी करवाने के बाद ही अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति का यूपीएससी में से रिमूवल होना चाहिए तो फिर उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कठिन है उनको रिमूव करना। और आगे हम देखेंगे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो इस चीज के बारे में जो सलाह दे दी है वह सलाह ही फाइनल भी मानी जाएगी। तो कहने का मतलब कि बहुत ही कठिन है प्रेसिडेंट, हालांकि जब इंक्वायरी चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब उस समय पर जो मेंबर है, चेयरमैन है या दूसरा मेंबर है, प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड अवश्य कर सकते हैं।
आगे देखेंगे कि मिसबिहेवियर का अर्थ क्या। मिसबिहेवियर का यहाँ पर अर्थ है कि उनका, या तो उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, या फिर वो कुछ फायदा लेने के लिए उनका कंपनी इस तरह से है कि उनको हटाया जाना जरूरी है, उसको मिसबिहेवियर कहेंगे। यानी कि क्योंकि उनके हाथ में ही तो ऑफिसर्स की भर्ती होती है, भारत केंद्र सरकार के जितने भी या राज्य सरकारों के जो टॉप पोजीशन पर ऑफिसर्स होते हैं वो यूपीएससी ही अपॉइंट करती है। तो अगर उनके जो मेंबर्स हैं जिनको वो चुनते हैं, क्योंकि इनका मेन काम तो इंटरव्यू लेना होता है, तो अब ये लोग अगर सही लोगों को नहीं चुनेंगे तो यहाँ पर एक साउंड माइंड वाला और एक वेल बिहेव्ड व्यक्ति ही इस पोजीशन पर होना चाहिए। तो इस चीज के लिए राष्ट्रपति इस चीज का ध्यान रखते हैं और उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ठीक ठाक लोगों को ही रखा जाए। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंस, ये जो यूपीएससी है इस बॉडी की कितनी स्वाधीनता रहेगी, कि जो हमारा संविधान है वो यह बताता है यूपीएससी का किस तरह से यूपीएससी की फंक्शनिंग रहेगी, कि जो चेयरमैन है यूपीएससी का उसको ऑफिस के मतलब उसके उसको ऑफिस से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन केवल जिस तरह से मतलब संविधान में बताया गया है उसी तरह से उसको हटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब कि भाई उसको भी एक सिक्योरिटी है अपने टेन्योर की, 6 साल के कार्य करने की। दूसरी चीज की उसकी जो कंडीशंस हैं सर्विस की, वो हालांकि राष्ट्रपति उसको डिसाइड करते हैं, पर इसका उसकी जॉब पर नुकसान नहीं होना चाहिए, यह भी एक उनको एक फायदा है। तीसरी चीज की जितने भी उनकी सैलरीज हैं, उनकी पेंशन हैं चेयरमैन की या दूसरे मेंबर्स की यूपीएससी के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लाती हैं, और इसीलिए यह पार्लियामेंट इस चीज के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे कि जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, वो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो और कोई कार्य नहीं कर सकता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे कि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट यूपीएससी के लिए स्टेट पब्लिक कमीशन के लिए होते हैं। आगे देखेंगे कि चेयरमैन यूपीएससी का, उसकी जो पहली टर्म हो चुकी है, एक बार 6 साल उसने कर लिया है, उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है। 6 साल के अगर एक व्यक्ति ने चेयरमैन का कार्य कर लिया है तो उसको दोबारा से नहीं लिया जा सकता है। आगे देखेंगे इनके फंक्शंस, फंक्शंस जैसे कि आप जानते हैं इनका कार्य है कि एग्जामिनेशन को, अब ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्जामिनेशन या सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इन तीनों में फर्क क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तीनों इंपॉर्टेंट नेशन वाइड सर्विसेज हैं, इनके एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी करवाना यूपीएससी की जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं कि अगर कुछ स्टेट्स, दो या दो से अधिक स्टेट्स ये कहती हैं कि हमने एक ज्वाइंट रिक्रूटमेंट सेल बनाना है, तो उसमें भी ये उनकी हेल्प करते हैं। तीसरी चीज की ये स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो स्टेट गवर्नर अगर कुछ रिक्वेस्ट करता है तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि जितने भी मैटर्स हैं रिक्रूटमेंट के, सिविल सर्विसेज के, वो सब इनकी जिम्मेदारी है पर्सनल मैनेजमेंट की। आगे देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये इनके यूपीएससी के मेंबर्स सर्विस करते हैं, प्रमोशंस कैसे होंगी, ट्रांसफर्स कैसे होंगी, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में कैसे जाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी इनकी रहेगी। और तीसरी चीज़ की जो कैंडिडेट्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्विसेज के अंडर, उनकी प्रमोशन, ट्रांसफर, सर्विस आदि यूपीएससी के अंडर ही हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज की रिकमेंडेशंस भी देते हैं। आगे देखते हैं कि जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, अगर जो भी यूपीएससी का जो भी मेंबर है जिसकी अपॉइंटमेंट इन दो लोगों के द्वारा हुई है, वो ये उसको किस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो गलत काम करता है, जैसे कि उसकी इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है, उसकी प्रमोशन रोकी जा सकती है, उसकी उसकी डिमोशन की जा सकती है, और उसकी कंपलसरी रिटायरमेंट की जा सकती है, उसकी डिसमिसल की जा सकती है सर्विस में से। तो ये सारी चीजें यूपीएससी के ट्रिब्यूनल से ही होती हैं। आगे देखेंगे कि अगर रीइंबर्समेंट का कोई क्लेम है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस जो हैं सिविल सर्वेंट के, तो वो भी ये लगाएंगे। आगे देखेंगे कि अगर जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स एक्सीडिंग 1 ईयर, वहां पर अगर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स भी यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती हैं, आगे हम देखेंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट भी इनके द्वारा ही करवाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ में सलाह नहीं करती, परामर्श नहीं करती इन चीजों से संबंधित, जिसके बारे में अभी हमने बात की है, तो पब्लिक सर्वेंट जो है
वो कोर्ट नहीं जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब कि कोर्ट जो है वो काम कंसल्ट करके ही यूपीएससी के साथ में किसी भी चीज के बारे में कंसल्टेशन करेगा, और यानी कि उनके जो डिसीजन को वो इनवैलिडेट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोविजन है ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो यानी कि सिमिलरली जो कोर्ट सिलेक्शन यूपीएससी इस व्यक्ति कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता इस चीज को लेकर कि भाई यूपीएससी ने किसी व्यक्ति को, कैंडिडेट को, उसको फेयरली उस व्यक्ति को नहीं अपॉइंटमेंट लेटर दी है। और आगे देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ में। जो एक एक और चीज है यहाँ पे कि यूपीएससी एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है कि किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है हर साल। अब आगे देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस हैं कि जब भी रिजर्वेशन होती है पोस्ट की, कुछ मैटर्स में यूपीएससी कंसल्ट नहीं किया जाता। जब रिजर्वेशन दी जाती है पोस्ट में तब यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। और दूसरा कि जब जो शेड्यूल कास्ट के जो क्लेम्स होते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्लेम्स होते हैं अपॉइंटमेंट्स और सर्विसेज में पोस्ट को लेकर, वहां पर भी इसका कोई इनकी इनकी कोई कंसल्टेशन नहीं ली जाती है। और सिलेक्शन जो होती है, टेम्परेरी सिलेक्शन जो होती है या ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट होती है, यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा कि सिलेक्शन चेयरमैनशिप और मेंबरशिप की, ट्रिब्यूनल्स की पोस्ट की हायर डिप्लोमेटिक नेचर होती है। और कहने का मतलब कि ये जो पोस्ट है ये डिप्लोमेटिक ही एक तरह से, ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगता है। आगे देखेंगे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में जो पोस्ट होती हैं वो कई ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और कहने का मतलब कि हमारा जो संविधान है उसने यूपीएससी को जो रोल दिया है वो एक वॉच डॉग ऑफ द मैरिट सिस्टम इन इंडिया का दिया है। तो कहने का मतलब कि जो बढ़िया अव्वल बच्चे हैं वो आगे आके बड़ी पोजीशंस पर जाएं और देश को चलाएं, ये यूपीएससी की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आना। तो ये सेंट्रल सर्विसेज है ग्रुप ए की, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि। और इसी तरह से हमारी ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं, कंसल्ट करती हैं जब गवर्नमेंट इनकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर यूपीएससी का जो रोल है वो एक लिमिटेड नहीं, बल्कि अगर यूपीएससी, हाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर यूपीएससी किसी चीज को लेकर अगर परामर्श देती है तो वो केवल एडवाइजरी नेचर का होता है, वो बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट उस चीज को रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी है। आगे एक और चीज देखते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि 1964 में बना था, उसका बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि यूपीएससी और विजिलेंस कमीशन दोनों को एक बार कंसल्ट करता किया जाता है जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई कार्रवाई करनी हो। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा यूपीएससी के बारे में। इनके आर्टिकल्स हैं 315 पब्लिक कमीशन यूनियन और स्टेट्स का, 316 अपॉइंटमेंट्स टर्म्स इन ऑफिस ऑफ मेंबर्स किस तरह से चेयरमैन कैसे रहेगा, और एक्सपेंसेस 322 में लिखा गया है, 323 में लिखा गया है कि रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट जो आगे पार्लियामेंट के सामने राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए